इसी तरह सबको फंसाते हैं लगातार लालू प्रसाद जी के खिलाफ किसने आवेदन किया ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए लालू जी के खिलाफ आवेदन करने वाले कौन है जिसने सीबीआई को यह पूरा कागजात पहुंचाया उसका नाम क्या है नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए उन्हीं के पार्टी के नेता सरदे शरद यादव जी राजद के नेता शिवानंद तिवारी जी और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह जी यही तो कागज देने वाले हैं एफ दर्ज कराने वाले यही लोग हैं और इन लोगों ने ही सीबीआई को बुलाया ईडी को बुलाया इनकम टैक्स को बुलाया तो इन लोगों से नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते और नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए और सबको फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं नीतीश कुमार जी ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाया पूरा बिहार की जनता जानती है और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है किसी दूसरे की नहीं नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं फिर चार्जशीट करवाते हैं फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे तरह सब को फसाते हैं। लगातार लालू प्रसाद जी के खिलाफ किसने आवेदन किया ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए ने लालू जी के खिलाफ आवेदन करने वाले कौन है जिसने सीबीआई को यह पूरा कागजात पहुंचाया उसका नाम क्या है नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए उन्हीं के पार्टी के नेता सरदे शरद यादव जी राजद के नेता शिवानंद तिवारी जी और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह जी यही तो कागज देने वाले हैं एफ दर्ज कराने वाले यही लोग हैं और इन लोगों ने ही सीबीआई को बुलाया ईडी को बुलाया इनकम टैक्स को बुलाया तो इन लोगों से नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते और नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए और सबको फसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं नीतीश कुमार जी ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को जेल भेजवाया पूरा बिहार की जनता जानती है और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है किसी दूसरे की नहीं नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं फिर चार्जशीट करवाते हैं फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो हमने पूर्णिया में घर ले लिया पूर्णिया के ई होम्स पेनोरो में पूर्णिया में पेनोरोमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पेनोरामा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरोमा के संग ई होम्स पैनोरो लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड